भैया का कॉल, आज मेरी याद कैसे आ गई इन्हें। हेलो। हेलो हर्षिता, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। अच्छा सुनो हर्षिता, मैं ये बोल रहा था कि मैं ना तुम्हारे घर के पास ही हूँ। तुम्हारी भाभी के साथ मार्केट आया था तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे घर ही आ जाता हूँ, इसी बहाने तुमसे मिल भी लूंगा। घर आएंगे? क्या हुआ, इतना सोच क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, आप आ जाइए, आप ही का तो घर है। चलो ठीक है, बस एक दो सामान और ले लूँ, फिर मैं 10 मिनट में तुम्हारी भाभी के साथ आता हूँ तुम्हारे घर, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। भैया घर आ रहे हैं और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। दाल दाल भी खत्म है, आटा भी नहीं है, अब क्या करूं। फ्रिज में कुछ होगा, देखती हूँ। फ्रिज में भी सब्जी नहीं है कुछ, अब क्या करूं। ये जूस, भैया भाभी को ना ये जूस दे दूंगी, और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तेरा कहाँ है तो कह दूंगी कि मैंने पहले ही पी लिया, ये तो आपके लिए है। चलो इन दोनों के लिए तो जूस हो ही गया। अरे भैया आप आ गए। कैसी हो शीता तुम? एकदम बढ़िया, आइए ना। क्या भैया ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि भाभी का भाई भी साथ में आ रहा है, और घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं, अब क्या करूंगी। भैया भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। क्या करूं, भैया भाभी के साथ तो भाभी का भाई भी आया है और मेरे पास तो सिर्फ 2 ग्लास जूस है, क्या करूं क्या करूं। एक काम करती हूँ, भाभी और भाभी के भाई को ना जूस दे देती हूँ, और भैया को पानी, कह दूंगी स्प्राइट है, वो समझ जाएंगे। आपको स्प्राइट पसंद है ना, आपके लिए स्प्राइट। थैंक यू भाभी। थैंक यू भैया। भैया आप क्यों नहीं पी रहे? ये क्या पानी? हर्षिता मुझे स्प्राइट की जगह पानी क्यों दे रही है? लगता है ये मुझसे कुछ छुपा रही है। एक्चुअली वो जीजा जी, मुझे ना ये वाली कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। आप एक काम करो, आप मुझे ना स्प्राइट दे दो। अब एक्चुअली मोंटी, मैंने तो अपनी स्प्राइट झूठी कर दी है। मैं एक काम करता हूँ, दूसरे ग्लास में डाल के लाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। सॉरी यार मोंटी, वो एक्चुअली जिस ग्लास में मैंने स्प्राइट डाली थी ना, वो हाथ से स्लिप हो गया, और तो और बोतल भी स्लिप हो गई। अब तुम एक काम करो, अब तुम 2 मिनट वेट करो, मैं ना मार्केट से लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अरे नहीं नहीं जीजा जी, कोई बात नहीं, मैं इसे ही पी लूंगा। ठीक है।
चले? हाँ ठीक है हर्षिता, फिर हम चलते हैं। और हाँ, वो मैं से गलती से तुम्हारा ग्लास टूट गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये कुछ पैसे रख लो, तुम नया ग्लास खरीद लेना। नहीं नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरी बहन हो, और कोई ऐसे भाई को मना करता है? बोल रहा हूँ ना, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे याद करना और मुझे फ़ोन करना, ठीक है? झिझकना मत, ठीक है? और ध्यान रखना अपना, चलता हूँ। इतने सारे पैसे, लगता है भैया को मेरी परेशानी समझ में आ गई है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक बहन कैसे अपना गुजारा करती है पति के जाने के बाद, और हम क्या करते हैं शादी के बाद, बहन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कभी उसका हालचाल नहीं पूछते। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बहन पे भी कभी कभी संकट आ सकता है, तो हमें उसको कॉल करना चाहिए, उससे उसका हालचाल पूछना चाहिए, कभी भी ऐसे रिश्तों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, और अपने रिश्तों को कभी भूलिएगा मत, हमेशा उनसे कॉल करके बातचीत करते रहिएगा। नमस्कार।